मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने नव प्रोन्नत 520 में 76 नायब तहसीलदारों के प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ एनेक्सी भवन के सभागार में किया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में प्रोन्नत होकर प्रदेश के विभिन्न जिलों से 76 नायब तहसीलदार आए हुए हैं, जिनका प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है, जो कि 4.5 महीनों तक चलेगा, जिसका नोडल अधिकारी मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़ को बनाया गया है। उन्होंने कहा, सभी नायब तहसीलदारों को उनके कार्यों के बारे में बताया जा रहा है कि वह किस तरह से कार्य करेंगे, क्योंकि प्रदेश के सभी जिलों में सबसे ज़्यादा मामले भूमि विवाद के ही हैं, जिसे किस तरह से निस्तारण करना है इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा, गोरखपुर एक VIP सिटी है, यहाँ पर तमाम VIPयों का आगमन होता रहता है, यहाँ पर डेवलपमेंट के भी काफ़ी कार्य हो रहे हैं। नायब तहसीलदार का कार्य जनता की शिकायतों का भी होगा, इसके अलावा निर्वाचन संबंधित कार्य, कोर्ट के कार्य का भी होगा, इसके बारे में भी पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़, सिटी मजिस्ट्रेट संजय सिंह, SDM सहजनव सुरेश राय, पवन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, इंतजाम कर लें, धन्यवाद। अब मैं सर से अनुरोध करूंगा, सर, जैसा कि सियाल साहब ने कहा, नायब तहसीलदार हमारा व्यवस्थापक होता है, ठीक। कोई भी बात होती है हम लोग तहसील को कह देते हैं, तहसील में नॉर्मली SDM साहब को कहा जाता है, SDM साहब तहसीलदार साहब से, तहसीलदार साहब नायब साहब से कह देते हैं, नायब साहब भी व्यवस्थापक होते हैं। मेरा संकेत ये है, व्यवस्थापक हैं तो आपको अब अपनी व्यवस्था भी स्वयं करनी है, हम आपकी व्यवस्था नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप व्यवस्थापक हैं, अब आपको किसी से सहायता नहीं लेनी है, अब आपको यहाँ अपने रहने की, अपने खाने की, अपने आने जाने की सभी व्यवस्थाएं स्वयं करनी होगी, इसलिए कि अब आप व्यवस्थापक के रूप में हैं और यही आपका प्रशिक्षण है और यही प्रशिक्षण का आगाज है, यही प्रारंभ है कि आप अपनी व्यवस्था कैसे अच्छी कर सकते हैं। तीसरी बात, जो भी प्रशिक्षण होता है वो औपचारिक होता है। जब लेखपाल लोग प्रशिक्षण करने जाते हैं तो मेरी सूचना के अनुसार वो 50% गायब रहते हैं, लेकिन SDM जब प्रशिक्षण लेने जाता है नहीं गायब रहता है, ठीक है। तहसीलदार जब प्रशिक्षण लेने जाते हैं तो गायब नहीं रहते हैं। आपको भी, चूंकि आप मजिस्ट्रेट हो गए हैं, आपको गायब नहीं रहना है, आपको आना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, क्लासरूम गर्म भी हो सकता है, क्लासरूम ठंडा भी हो सकता है, ठीक है। आपको क्लासेस अटेंड करनी है और मैक्सिमम समय औपचारिक रहना है, ये एक फॉर्मल ट्रेनिंग है। फॉर्मल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप टी शर्ट पहन के नहीं आएंगे, चप्पल पहन के नहीं आएंगे, ऐसे ही नहीं चले आएंगे। आपके पास एक प्रॉपर नोटबुक, प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए और प्रतिदिन का आप एक पेज उस पर लिखिए, प्रतिदिन, मतलब सभी लोग, कितने लोग आए होंगे, 68 शायद आए हैं, LRC साहब 68 आए हैं, हाँ ठीक है, 76 लोग हैं, तो मैं 6 को नकारा मान लेता हूँ। एक जो प्रशिक्षण का कलम बनाया गया है, टाइम टेबल बनाया गया है, प्रतिदिन के लिए कई अधिकारी लगाए गए हैं कि 10 से 11 के बीच में 6 अधिकारी लगा दिए गए हैं, सप्ताह में एक दिन ही उनको जाना पड़ेगा। सभी अधिकारियों के दायित्व इसको क्या जाकर के वहां पर, मैंने इन लोगों के साथ ये भी शेयर किया है सर कि राजस्व प्रशासन में जो राजस्व के RI बहुत बेहतर जानते हैं, इनको अच्छे से मालूम है कि पैमाइश कैसे की जानी है, नायब तहसीलदार के रूप में इनका कुछ कार्य और अतिरिक्त हो जाता है, चुनाव है और तीसरा इन्फोर्समेंट है, चौथा राजस्व है, तो जितनी भी आपकी अलग अलग भूमिकाएं हो हर चीज आपको बताई जाएगी और आपसे प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। आदरणीय आयुक्त महोदय की अनुमति से और जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से हम लोग ये जो हमारे की फील्ड ट्रेनिंग भी आपको कराएंगे, साथ ही चूंकि वो प्रशिक्षण सबसे अच्छा होता है जिसमें कुछ कल्चरल संचार, कल्चरल एक्टिविटी करेंगे, जिसकी जो भी प्रतिभा होगी, जो भी प्रतिभा होगी, जो भी शौक होगा, जो भी प्रदर्शित कर सकेंगे, ऐसा करेंगे कि जिन जनपदों से आप लोग आए हैं
उन जनपदों के एडीएम आदान को भी बुला लेंगे और आप लोग उनके साथ एक संयुक्त बैठक करा के और डिनर हम लोग साथ में कर लेंगे तो ये मालूम हो जाएगा। तो प्रशिक्षण दिया जाना है, उसके बाद सर 1 सितंबर 22 से 30 नवंबर तक इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। आधारभूत प्रशिक्षण के लिए सर हमने अपने जनपद में उपस्थित अलग अलग विभाग से अधिकारीगण को सर के माध्यम से नामित कराया हुआ है, जिनका नियमित तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त होगा। और आप सभी से आग्रह रहेगा इस प्रशिक्षण सत्र में आप गोरखपुर जनपद में हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी जो भी आपको प्रशिक्षण देंगे इसका आप समुचित लाभ लें, और इस प्रशिक्षण सत्र का तभी लाभ मिलेगा जब आप नियमित तौर पर और अनुशासित होकर इस पूरे प्रशिक्षण सत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और पूर्ण मनोयोग के साथ हर प्रशिक्षण सत्र का अच्छा सा पालन अपने सर्विस पीरियड में कराना उसको सुनिश्चित करेंगे। आज आप सभी इस गोरखपुर जनपद में उपस्थित हुए हैं, आप सभी का पुनः एक बार सर के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं। अब इस प्रशिक्षण सत्र के शुरुआत में मैं अपने एडीएम फाइनेंस साहब से अनुरोध किया था तो उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बताया हुआ है। अब इसी क्रम में मैं अपने बीच उपस्थित आदरणीय अपर आयुक्त महोदय, ये चीज़ अतिरिक्त हमें किसी कानूनी चीज़ की जानकारी दे दीजिए तो मैं समझता हूँ कि उसको भी ऐड करा दिया जाएगा। बहुत सारे मैं अपने लेवल पे, वैसे मैंने इलेक्शन पे तो मैं नेशनल मास्टर ट्रेनर रहा, कई जो है झारखंड बिहार जो है राजस्थान वगैरह की वहाँ पे भी ट्रेनिंग जो है एक हायर लेवल तक भी की गई है। इसके अलावा जो है बाई चांस की बात है, अपने अपने साथ में जितने भी मेरे साथियों के साथ में होते थे तो उसमें कंप्यूटर की जानकारी के मामले में उनको थोड़ा कम जानकारी रहती थी। कंप्यूटर के मामले में मुझे जो एक खासकर एक जो आम आदमी से ज़्यादा की जानकारी फिर भी जो है मेरे इवन मेरे अपने ऑफिस के लोग बहुत सी चीज़ें अगर टेक्निकल पॉइंट्स पर बात करें तो वो नहीं जानते हैं, फिर भी अगर इस तरह की चीज़ें को सीखना चाहते हैं तो हमारे जो हमारे NIC के कुछ लोग हैं काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं, फिर भी कुछ इसी चीज़ में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कराना चाहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इस तरह के प्रस्ताव जो है से आपका प्रशिक्षण थोड़ा कंप्लीट हो जाता है। तो कृपया अगर कोई ऐसा आप लोगों के पास कोई आइडिया हो या आपकी कोई चीज़ की आवश्यकता रहेगी तो उसको हम एक्स्ट्रा जोड़ कर देंगे। और बाकी जो है कुछ विधिक रूप से कुछ कानूनों के बारे में कुछ अलग से मैं चीज़ ऐड करूंगा और मैं उसको आप लोगों को बीच में कभी भी आता रहूंगा और आप लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग का अनुभव भी दूंगा। ये भूल जाना चाहिए जो मंच में जो बैठे हुए हैं या जो नीचे बैठे हुए हैं वो सब समान है, जब तक आप खुल करके बात नहीं करेंगे ठीक है तो ट्रेनिंग अच्छा ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत चीज आप लोगों ने सीखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे आप आए हुए हैं कि वो भी 4.5 महीने का बहुत बड़ा ट्रेनिंग है, तो आप क्या सीखना चाहते हैं और ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए? जो शेड्यूल आपने देख लिया है 10 बजे से शुरू होकर के 1 से 20 की 20 का 1 घंटे का गैप है, उसके बाद 5 बजे तक का ट्रेनिंग है। तब प्रथम मैं आयुक्त महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने टाइम निकाला एंड सर इस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। इनफैक्ट मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि सर अभी आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो इस इंटरेक्शन के माध्यम से सीखने का कोशिश कीजिएगा, आगे चलते आप लोगों को बहुत काम है। सर इज वेरी ओल्ड एक्सपीरियंस, सर हमें भी कोई दिक्कत होता है तो सर कोई कॉल करके हमको परेशान है, सीनियर का मार्गदर्शन लेने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, यू गेट गुड गुड थिंग्स टू नो। दूसरा इशू है सबसे पहले आप लोग को बधाई ऑफिसर मैजिस्ट्रेट आपके पास थोड़ा आपको अपने कंडक्ट बेहतरी रखनी पड़ेगी, आप गवर्नमेंट का फेस उनको फील्ड में काम करें तो आपका इवन योर पर्सनल एटीट्यूड ऑल्सो रिफ्लेक्ट दैट यू आर फेस टू द गवर्नमेंट। तो आपको 24 घंटा अपना कंडक्ट अच्छा रखना पड़ेगा, ये नहीं कि ऑफिस से छुट्टी हो गया है तो आप कहीं भी कैजुअल बिहेवियर में आप घूम रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई शिकायत होगी तो यही होगा कि हमारा एक अधिकारी ऐसा
करता हुआ पाया, तो अल्टीमेटली बिकम वेरी वेल। पहला चीज तो ये, दूसरा है आप लोग में से लगभग 68 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है, आप लोगों को अभी तो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसी को कॉम्प्रोमाइज करेगा जो आप लोगों ने पायलट सीखा है, बाकी 8 नए हैं, अच्छा मौका है सीखने के लिए। पता है इनफैक्ट कभी कभी आपको ट्रेनिंग में कुछ बोरिंग टाइम भी लगेगा, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अभी जितना बढ़िया आप सीखोगे उतना अच्छा फील्ड में काम होगा। मैं अपना पिछला 10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब हम नौकरी में आए थे तो शुरू में सबसे ज़्यादा अवैध कब्जा, आवास और राशन का, आज की डेट में मैं 8 साल में डिफरेंशियल दे रहा हूँ, देख रहा हूँ राशन आवास खत्म हो गया, नाली खड़ंजा भी बहुत कम हो गया। अब जो एक्चुअल शिकायत है ये जमीन, तो इस जमीन से जितने रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक वक्त सही होता है एक वक्त गलत होता है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव हमेशा जब थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो बात सुनने से, जब आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम है संवाद, अगर कोई इशू कंप्लेन आए आप लोग को आगे ये आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है नेक्स्ट 1-2 साल में, सबसे बड़ा चैलेंज लैंग्वेज, और ये अगर आप जितना स्मार्टली रिजॉल्व कर लीजिएगा उतना आप सक्सेसफुल रहिएगा। तो जब भी आप लोगों से बात कीजिएगा तो रियली अदर पार्टी जो कहते हैं दोनों पक्षों को सुनिए, सुनने में आपको पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है, एंड दी एक्ट इज फॉर इट, मतलब विधिवत आप कार्रवाई करें, लेकिन टाइम बाउंड और पब्लिक के प्रति पूरा सिंपैथी रखना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग के पास आते हैं वो जनरली बहुत वेरी प्रताड़ित लोग होते हैं, आप उसको जितना दिन खींचिएगा उतना दिन वो परेशान रहेगा, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो मतलब आपने कुछ अच्छा पुण्य काम किया होगा जो आपको ये काम मौका मिला है करने। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, ADM फाइनेंस गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में 76 नायब तहसीलदार आए हैं, उन्होंने आज से उनका प्रशिक्षण प्रारंभ है, कुल 4.5 महीने का होगा। हमारे जो CRO साहब हैं जनपद के, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, वही इसके नोडल अफसर भी हैं और एडिशनल डायरेक्टर के रूप में भी वो कार्य करेंगे। आज इसका ओरिएंटेशन है जिसे माननीय आयुक्त महोदय अभी संबोधित कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी जो भी लोग नायब तहसीलदार के रूप में प्रमोट हो करके आए हैं या जो सीधी भर्ती के हैं उनसे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्रशिक्षण कैसा होगा, उनका क्या दायित्व है, हम उनको क्या बताएंगे, इन सब पर एक संवाद चल रहा है और आशा है कि अगले 4.5 महीने हम इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित करेंगे। कुछ नई चीज़ें भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं गोरखपुर एक VIP सिटी है, CM सिटी है, यहाँ पे डेवलपमेंट के भी काफ़ी कार्य हो रहे हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ पर लोगों को अपेक्षाएं भी बहुत हैं, तो नायब तहसीलदार के रूप में उनका एक दायित्व शिकायतों के निवारण का भी होगा, निर्वाचन का कार्य है, वसूली का कार्य है, कोर्ट का कार्य है, सभी कार्यों को कैसे करना है उनमें हम लोग प्रयास करेंगे कि ये सिद्धस्थ हो जाएं। ये ट्रेनिंग कहाँ पर चलेगी? ये ट्रेनिंग हमारा असुरन पे, आप मालूम है, एक लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय है, वहीं पर चलेगी और ये आवासीय होगी, जितने लोगों को वहाँ रुकना चाहेंगे वो लोग रुक सकेंगे और सुबह से शाम तक पर डे ट्रेनिंग का सेशन आयोजित किया जाएगा।